सो बेसिकली मैं ये हेयर बैंड रखना चाहती लगाना चाह रही हूँ बिकॉज ये मेरे को एक वीडियो भी बनानी है, तो उस वीडियो में भी मुझे काम आएगा. और मुझे लगता है कि मैंने बहुत सालों से एक्चुअली मैंने कुछ भी हेयर बैंड टाइप का लगाया ही नहीं है. मैं बस उसको या तो ब्रेड करती हूँ या फिर खुला छोड़ती हूँ या फिर कुछ हेयर स्टाइल करती हूँ, बट ये नहीं किया है मैंने काफ़ी दिनों से. तो उसके लिए मैं एक छोटा सा सेंटर पार्टीशन रखना चाहती हूँ और पीछे से एकदम नॉर्मल. ओके, इट इज ऑलमोस्ट डन. नो, इट्स नॉट गोइंग ऑन वेल एज आई वांटेड. दोबारा से ट्राई करेंगे. इधर मैं ये करती हूँ कि इसको है ना थोड़ा सा आगे ले लेती हूँ सो दैट ये बाल मेरे आगे ही रह जाएंगे. ये ट्राई एंड टेस्टेड नहीं है, मैं भी इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ. थोड़ा सा इसमें आई थिंक सेट करने की जरूरत पड़ेगी है इसको. नहीं, मैं इसको पीछे ही करने वाली हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इसको आगे. राइट, हाँ मैं कुछ ऐसा ही लुक चाह रही थी. बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लिया. एंड जस्ट कॉम्बिंग माय हेयर. आई थिंक इट इज लुकिंग गुड, प्रिटी गुड. या इट गिव्स द वाइब्स ऑफ लाइक 90s और समथिंग. नाउ मैंने अपने स्किन को बिल्कुल भी प्रेप नहीं किया है अभी. वेयर इज माय मॉइस्चराइजर? So firstly using moisturizer. मुझे ये भी ध्यान में रखना होगा कि मेरे बाल खराब ना हो जाए. क्या रहा पूरे दिन भर में वापस से मॉइस्चराइज कर ही नहीं पाती हूँ, तो मैं ये ट्राई करती हूँ कि मैं इतना अच्छे से मॉइस्चराइज करूँ कि एटलीस्ट दिन में ज़रूरत ना पड़े. और फिर अभी मेरे को मेकअप भी करना है सो बचाओ मॉइस्चराइज. यूज टू डू दिस ऑलवेज. आई एम रियली रियली इम्प्रेस विद दिस लुक, लाइक हेयर स्टाइल लुक. ओके, I'm not gonna do a full बहुत heavy makeup, just a little bit for making up videos and I also have to go outside with my friend. This is very compulsory. मुझे काफ़ी dark circles हैं. This is very compulsory for me to do this. I'm blending it with my finger only. मैंने ऑब्जर्व किया जब मैं इससे ब्लेंड करती हूँ और मैं जब इससे ब्लेंड करती हूँ देयर इज अ डिफरेंस. मतलब मुझे इससे ब्लेंड करना ज़्यादा सूटेबल लगता है. स्मूथनेस टिप हो गया है. I forgot to bring my chota sa mirror. Actually, I must have that. Man, how can I forget my chota mirror? मैं इसको हर जगह कैरी करती हूँ.
दिस इज माई मोस्ट थिंग टू कैरी. आप लोगों की क्या मोस्ट थिंग है जो आप कैरी के बिना बाहर नहीं निकल सकते, प्लीज टू कॉमेंट. एंड इट इज डन. आई नो दिस लुक्स थोड़ा सा ज़्यादा, बट ये यहाँ पर है ना थोड़ा सा वो सब यूज करेंगे ना ब्लश एंड ऑल, तो वो सब हो जाएगा. ओके सो आई एम यूजिंग दिस नायका, माई फेवरेट फेवरेट लिपस्टिक. इसको अगर मैं ऐसे ऐसे करती हूँ तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है. देन उसका जो बचा हुआ होता है वो आई ऑलवेज यूज इट ऑन माय चीक्स एंड नोज. आई रियली लाइक इट टू. मुझे बहुत रेट्रो वाइब आ रही है. मैंने ऐसा रेट्रो वाइब का वो नहीं किया था इमेजिन, बट मुझे आ रही है. दिस इज माई सिस्टर काजल जो उसने कर लिया है, और अब मैं उसको मेरा काजल नहीं देने वाली हूँ. मैं काजल एक्चुअली पूरी आई पे अगर लगाती हूँ तो मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं, तो मैं उंगली या साइड के एकदम साइड कॉर्नर्स पर लगाती हूँ. तो इससे ऐसा लुक आता है कि मैंने पूरी आई पे ही लगाया हुआ है. आई एम यूजिंग आई लाइनर. मुझे विंग्ड आई लाइनर एक्चुअली बहुत ज़्यादा, मैं बड़ी फैन नहीं हूँ विंग्ड आई लाइनर. आई डोंट यूज इट, आई जस्ट बहुत बेसिक आई लाइनर लगाना पसंद है. एंड दैट्स इट फॉर माय टुडेज लुक. आई एम जस्ट गोना चेंज माय ड्रेस, देन आई विल गेट यू